जॉन एलिया के मद्दाहों ने इन्हें 8 नवंबर सन 2002 के रोज खोया था, मगर इनकी बेटी फेनाना फरनाम का कहना है कि इसने अपने वालिद को इनकी जिंदगी में ही खो दिया था और इनके वालिदा और मारूफ लिखारी जाहिदा हिना ही जिंदगी भर इनका जज्बाती आसरा रहीं। अपने वालिद की वफात के तकरीबन 20 बरस बाद फेनाना ने एक तहरीर में जॉन एलिया के साथ अपने ताल्लुक को बयान किया है। फेनाना कहती हैं कि ये वो मौजू है जिस पर मैं बात नहीं करती या करना नहीं चाहती थी और मैं बरसों खामोश रही। बहुत लोगों ने चाहा कि मैं उनसे इस मौजू पर बात करूं, मगर मैंने हमेशा टाल दिया। इसकी वजह ये थी कि मैं समझती हूं कि ये बहुत ज़ाती नौइयत की बात है और अपने घर की बात मैं दुनिया से क्यों करूं? लेकिन हमारी खामोशी की वजह से लोगों ने ऐसी बातें की जो बड़ी तकलीफ दे थी और सच से इनका कोई वास्ता नहीं था। अपनी बहन सुहाना और भाई जरियन का जिक्र करते हुए फेनाना कहती हैं कि मुश्किल ये है कि हमारे दोनों वालिदैन मशहूर लोग हैं और मशहूर लोगों की ज़िंदगी पर बात करना इनके मद्दाह अपना हक समझते हैं। बात इतनी सादा होती तो कोई मुश्किल ना थी, मगर सच्चाई जाने बगैर या एक तरफ की बात सुनकर राय कायम करना और इस पर यकीन कर लेना ज़्यादती है। हमारी खामोशी ने लोगों की मज़ीद हौसला अफजाई की और जिसका जो दिल चाहा वो उसने कहा और लिखा, इसीलिए मैंने इस मौजू पर बात करने का फैसला किया है। फेनाना बताती हैं कि 12 बरस की उम्र में जब एक रोज़ आधी रात को मैंने अब्बू को अम्मी से लड़ते हुए सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस कैफियत को मैं आज भी बयान नहीं कर सकती। मैं सुबह के इंतजार में जागती रही, मुझे अम्मी से बात करना थी, ताहम उस रात मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा था। सुबह जब मैंने अम्मी से पूछा कि क्या कल रात आप अब्बू से लड़ रही थी, तो जवाब में जो मैंने सुना उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वजह यह थी कि मैं अपने माँ बाप को दुनिया का आइडियल कपल समझती थी और अब्बू मेरे आइडियल थे। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, अम्मी से भी ज्यादा, और इस लहजे की तवक्को मैं उनसे नहीं करती थी। अम्मी ने मुझे बहला लिया था, वो शायद मुझे मेरी इस ख्याली दुनिया से असली दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि हकीकत मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, मगर कब तक। मैंने अम्मी की बात पर यकीन कर लिया, शायद इसलिए कि मैं कुछ और जानना और समझना नहीं चाहती थी। एक वक्त था जब अम्मी अब्बू के इख्तलाफात कमरे में ही हल हो जाते थे, मगर चंद बरस बाद ये इख्तलाफात कमरे की चारदीवारी से निकलकर लोगों की गुफ्तगू का मौजू बन गए। फेनाना बताती हैं कि वो बहुत मुश्किल वक्त था। अम्मी और हम तीनों भाई बहनों ने लोगों से वो कुछ सुना और बर्दाश्त किया जो इंतहाई तकलीफ दे था। मैं आज तक नहीं समझ सकी कि लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि जॉन एलिया उनके लिए उनके पसंदीदा शायर हैं, मगर मेरे तो वो बाप हैं। मैं जिंदगी को उनके मिसरे में तलाश नहीं कर सकती थी, मेरी तो जिंदगी थे, वो मेरे सुहैना और जरी उनके बाप थे। हमें शायर जॉन एलिया नहीं बल्कि हमारा बाप जॉन एलिया चाहिए था जो कहीं खो गया था। हमारे वालिद ये भूल जाते थे कि हम किस जमात में पढ़ रहे हैं या हमारी उम्र कितनी है। उन्हें हमारी सालगिरह भी याद नहीं रहती थी। वो जब मुझे या सुहैना को पुकारते तो हमारे बजाय अपनी भतीजियों के नाम लेते। अबू ना तो खुद अम्मी को कबूल कर सके और ना उनके खानदान ने अम्मी को कभी कबूल किया, इसलिए कि अम्मी अमरोहा की नहीं थी और ना ही वो शिया मजहब से ताल्लुक रखती थी। इन बातों की वजह से अम्मी अब्बू में वो फासले पैदा हो गए जो वक्त के साथ बढ़ते चले गए। अब्बू के लिए बात हजम करना भी मुश्किल होता चला गया कि वक्त के साथ साथ हमारी अम्मी जाहिदा हिना की शोहरत में भी इजाफा हो रहा था। अब्बू बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और उनसे ऐसी सोच की तवक्को नहीं की जा सकती थी। फेनाना कहती हैं कि इसके बाद मैंने अब्बू के साथ उनके मुशायरों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब लोगों को मालूम होता कि मैं किसकी बेटी हूं तो सरगोशियां शुरू हो जाती और जो कुछ मुझे सुनना पड़ता उससे तकलीफ होती। जब 9वीं क्लास में इम्तिहानी फॉर्म आए तो मैंने घर जाकर कहा कि मैं अपना नाम तब्दील करना चाहती हूं। तब मेरा नाम फेनाना जॉन था। अम्मी बहुत हैरान हुई कि मैं ऐसा क्यों चाहती हूं। मैंने कहा कि मुझे अब्बू का नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाना। मैं उस वक्त 16 साल की थी और ये फैसला मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था, मगर मैं जानती थी कि वो रिश्ता जो दुनिया में मुझे सबसे प्यारा था वो मेरे और अब्बू के जिंदा होते हुए भी खत्म हो गया है। अब्बू मेरे लिए उस दिन मर गए थे, मेरे लिए जिंदगी के मानी भी तब्दील हो गए थे। मैं जब पैदा हुई तो अब्बू ने मेरा नाम फेनाना जॉन रखा था। अब्बू से जब मेरा रिश्ता टूट गया तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया, मेरी पहचान बदल गई, और ऐसा अब्बू की वजह से हुआ। इसलिए मेरी जिद थी कि अब जो नाम रखा जाएगा वो अब्बू ही रखेंगे। चुनाचे उन्होंने मेरा नाम फेनाना फरनाम रख दिया। फेनाना के मुताबिक एक वक्त था जब मेरे लिए बहुत मुश्किल था लोगों का सामना करना और उनके चुपते हुए सवालों का जवाब देना, मगर फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं अब्बू के किए की जिम्मेदार नहीं हूँ, वो अपने किए के जिम्मेदार खुद हैं। अब्बू अक्सर अम्मी से लड़ाई के बाद कहते कि उन्हें याद नहीं कि पिछली रात क्या हुआ था, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत थे, मगर हम सब जानते थे कि वो मुकम्मल होशो हवास में ये सब कहते थे। उनका कहना था कि शायर के ये मसाइल नहीं कि वो घर के किराए या सौदा सरफ के बखेड़ों में पड़े, मगर हकीकत ये थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करना चाहते थे। मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा क्योंकि उनका इंतकाल अम्मी अब्बू की शादी से पहले ही हो गया था।
वो दोनों सादा मिजाज थे और वो भी अब्बू के तर्ज ज़िंदगी से दुखी रहते थे। अब्बू का ये ख्याल कि शायर और अदीब को ज़िंदगी के इन झमेलों से आज़ाद होना चाहिए, दरअसल ज़िंदगी और इससे वाबस्ता जिम्मेदारियों से फरार था। फैनाना कहती हैं कि मैंने हमेशा ये महसूस किया कि अब्बू के मदाह अब्बू के बच्चों से ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम अब्बू को सरकार मुर्शद जॉन एलिया समझें, लेकिन हम उनके चाहने वालों को कैसे समझाएं कि हमारे लिए वो फ़कत बाप थे, हमें उनसे सिर्फ मोहब्बत और शफ़क़त दरकार थी। एक औलाद अपने बाप से इतना तो चाह ही सकती है, बादशाह हो या गदा, औलाद के लिए सिर्फ बाप होता है। फैनाना के मुताबिक अब्बू से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान मैंने नहीं देखा। कुदरत ने इन्हें सब दिया, इज्जत शोहरत मोहब्बत, मगर वो खुश नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों की कदर नहीं की। जो इंसान मोहब्बत करने वाले माँ बाप का और औलाद का ना हो वो अपना भी नहीं हो पाता। उनका कहना है कि अब्बू के इंतकाल की खबर मुझे फ़ोन पर अम्मी ने दी, यकीन नहीं आया कि अब्बू नहीं रहे, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी से बहुत पहले ही रुखसत हो चुके थे और अपनी मौत के दिन वो दुनिया से भी रुखसत हो गए। हमारे लिए बाप का खाना खाली रहा, जिसकी वजह से ज़िंदगी वो नहीं रही जैसा इसे होना चाहिए था। ताहम अम्मी हर कदम पर हमारे साथ रही। लेकिन ये भी सच है कि आज मेरी बेटी मेरे अब्बू की शायरी पढ़ती है और मेरा बेटा भी कॉलेज से आकर बताता है कि उसके दोस्त मोहब्बत में नाकाम होकर अब्बू जान की शायरी पढ़ते हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।